हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने से पहले हम एक पर्टिकुलर वर्ड को समझेंगे जिसका नाम है फील्ड। तो फील्ड नाम के वर्ड से हम ऑलरेडी परिचित हैं, हम ऑलरेडी अवेयर है। बच्चों, ये वर्ड्स हमने 11th में स्टडी किया था। फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है कोई भी सिस्टम के आसपास का सराउंडिंग एरिया जिसके अंदर वो सिस्टम क्या करती है, किसी और पार्टिकल या बॉडी के ऊपर अपनी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे हमें पता है कि अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड कुछ रीजन होता है जिसके अंदर कोई भी बॉडी आएगी, जिसके पास मास होगा, वो क्या होगी, अर्थ के साथ अट्रैक्ट होगी, तो हम उसे बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके बच्चों, जैसे मैग्नेट के आसपास कुछ रीजन के अंदर हम लोहे की चीज़ रखेंगे तो क्या होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, तो वो क्या होगा, मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है वो बनेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, उसी तरह आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज़ हमारे पास ये कोई चार्ज है, पार्टिकल है या तो चार्ज बॉडी है। ओके, उसके आसपास कुछ रीजन सोच लो, सपोज़ ये हो गया उसके आसपास का रीजन। ओके बच्चों, अब इस रीजन में मैं कोई चार्ज को प्लेस करता हूँ तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इट मीन्स दिस चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कूलम्बियन फोर्स बाय चार्ज सिस्टम और चार्ज, गिवन चार्ज। ओके बच्चों, तो ये जो इतना रीजन हो गया उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, एक बात तो नक्की हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ओके, मतलब कि फील्ड के अंदर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो डिफाइन करने के लिए हम फोर्स का भी यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशन है, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू लिया है हमने ओरिजिन पे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस। अब ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू है, इसकी वजह से हमें पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें एक चार्ज प्लेस करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ये जो Q0 है ना, उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि यही Q0 हमें फाइंड करके बताएगा कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बच्चों, और जिस चार्ज का हमें फील्ड फाइंड करना है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। बच्चों, ये क्या है, ये है सोर्स चार्ज। ओके, और ये है टेस्ट चार्ज। अब बच्चों, बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आप मेरे साथ लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स एफ बाय क्यू ज़ीरो। बच्चों, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें कूलम्बियन फोर्स एफ फाइंड करना पड़ेगा। ये फोर्स किसके बीच में होगा, कैपिटल क्यू और क्यू ज़ीरो के बीच में। तो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, चलिए कैपिटल क्यू, वेरी गुड, क्यू क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वेयर एंड आर केप, ये हो गया हमारा नंबर 2। बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन ईजिली डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा इक्वेशन, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए एफ को क्यू नॉट से डिवाइड करना है। चलो, इसका मतलब हमें इक्वेशन नंबर 2 को क्यू ज़ीरो से डिवाइड करना है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 हमारा फोर्स का है। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन में क्यू ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू बाय आर स्क्वेयर आर केप। तो बच्चों, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, यहाँ से हम कुछ
बातें नोट करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन। आगे बात करते हैं कि उसका यूनिट क्या होता है। बच्चों, यूनिट बनेगा इस इक्वेशन से, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, और एक दूसरा यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। बच्चों, ये जो इक्वेशन है हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। आगे बात करते हैं बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? तो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है? m1 L1 t-2। कूलम क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड। ओके बच्चों, कूलम का यूनिट क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकंड, और सेकंड के मतलब क्या लिखते हैं हम? टाइम टी। इसको सिंप्लीफाई करिए क्या होगा, चलो देखते हैं। m1 L1 t-3 a-1, m1 L1 t-3 a-1। तो बच्चों, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है ये, थियरी 2 मार्क्स में आती है एग्ज़ाम्स के अंदर, खास इसको हमें लर्न करना चाहिए। बच्चों, डेफिनेशन फिर से एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में हमें क्या याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर चार्ज, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, आगे देखते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कौन से रिमार्केबल पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे 1 by 1 पॉइंट्स में बोलूँगा और आपको लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे जिस चार्ज का हमने फील्ड फाइंड किया, ओके, ये जो चार्ज का हमने फील्ड रिमार्क्स हम लिखेंगे, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा चार्ज Q है वो सोर्स चार्ज होगा, और जो Q0 चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है। बच्चों, जिस चार्ज का हमें फील्ड फाइंड करना है ना, उसे हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसके द्वारा हमें फोर्स फाइंड करना है उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट है कि टेस्ट चार्ज टेंस टू ज़ीरो, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़ीरो होती है, ज़ीरो के करीब होती है, यानी लिमिट Q0 टेंस टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा फील्ड है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, लिमिट Q0 टेंस टू ज़ीरो F/Q0। बच्चों, इसका रीज़न ये है कि अगर Q0 की वैल्यू सफिशेंटली हमने स्मॉल नहीं ली, तो क्या होगा, Q0 खुद अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो फील्ड है वो हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो हमें फाइंड करना है फील्ड, उसके अंदर कुछ बदलाव या तो चेंज आ सकता है, इसके लिए Q0 की वैल्यू बहुत ही छोटी होनी चाहिए। बच्चों, कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई Q0 की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या ले सकते हैं? तो बच्चों, ये फिक्स वैल्यू है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के स्मॉलेस्ट वैल्यू वो फंडामेंटल चार्ज जितनी होती है, जो होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। बच्चों, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट यहाँ पे सामने एक स्टेप मैंने लिखा है, ज़रा देखो। सिंस इन डेफिनेशन क्यू इज यूज्ड, डेफिनेशन के लिए हमने क्या किया है, टेस्ट चार्ज को यूज़ किया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिपेंड्स ऑन Q0। आप देखो, हमने जो फाइनल इक्वेशन डिराइव किया है उसके अंदर कहीं Q0 आता नहीं है, मतलब कि Q0 जो है हमारा टेस्ट चार्ज, वो डेफिनेशन में तो यूज़ करते हैं हम बराबर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द Q0, मतलब कि टेस्ट चार्ज के ऊपर
सोर्स चार्ज का फील्ड डिपेंड करता नहीं है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम जरा देखते हैं, यहाँ पे बात करी गई है फील्ड के बारे में। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बच्चों उसी तरह जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड साइड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड साइड। एंड द फाइव, बच्चों फिफ्थ पॉइंट, ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो भी उसके इक्वेशन पर से आएगा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर आर कैप। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन से, ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर। मतलब कि बच्चों हम जब ये कोई भी सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। ओके, तो ये हमारे फाइव रिमार्केबल पॉइंट हैं, फिर से एक बार उसको हम नोटिस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, दैट कैपिटल क्यू चार्ज इज़ नोन एज द सोर्स चार्ज। मतलब कि जिसका हमें फील्ड फाइंड करना है उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसके लिए जिसके ड्यू टू विच चार्ज वी कैन फाइंड द फील्ड। ओके, जिस चार्ज का यूज़ करके हम फील्ड फाइंड करने वाले हैं उसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज। बच्चों टेस्ट चार्ज का वैल्यू बहुत ही छोटा होना चाहिए, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं लिमिट क्यू ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो। ओके, उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो सोर्स चार्ज है उसके फील्ड में कोई चेंज होना चाहिए नहीं। ओके, नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज को यूज़ किया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट चार्ज। ओके, एंड देन फील्ड लाइन्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड साइड, वेयर फील्ड लाइन्स ऑफ नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इन साइड। एंड द लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ओके, उसका रीज़न क्या है बच्चों, देखो कि इलेक्ट्रिक फोर्स, सिंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ टू चार्जिज कैपिटल क्यू एंड क्यू जीरो, सो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड पार्टिकल एंड पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल्सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर। ओके, तो देख लो बच्चों एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। बच्चों यहाँ पे हम सोचेंगे कि हमारे पास एक ओरिजिन है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट डिफरेंट टाइप के पोजीशन वेक्टर के पास हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल। सपोज़ यहाँ पे आर वन पोजिशन वेक्टर पे हमारे पास क्यू वन चार्ज पार्टिकल है। ओके, आर टू पोजिशन वेक्टर के पास हमारे पास क्यू टू चार्ज पार्टिकल है। ओके, और आर एन पोजिशन वेक्टर के पास हमारे पास क्यू एन चार्ज पार्टिकल है। बच्चों यहाँ पे हम सोचेंगे एक पॉइंट जिसका नाम पी होगा और उसका पोजिशन वेक्टर आर होगा। ओके, तो P पॉइंट के पास हमें इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बच्चों सिस्टम में हमारे पास N चार्जेस है, हमें यहाँ पे टोटल फील्ड फाइंड करना है। फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं, हम सुपर पोजिशन लॉ लगाते हैं। चलिए देखिए, Q1 से P का डिस्टेंस और फील्ड का डायरेक्शन, ये होगा फील्ड का डायरेक्शन, और जो डिस्टेंस होगा Q1 से P उसका नोटेशन होगा R1P। ओके बच्चों, उसी तरह Q2 से P का डिस्टेंस और फील्ड, फील्ड होगा E2 और डिस्टेंस को हम बोलेंगे R2P। उसी तरह बच्चों nth पार्टिकल, तो nth पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल
उसका डिस्टेंस होगा आर एन पी और फील्ड होगा ई एन। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम ड्रॉ कर दिया है। ओके अब आपको क्या करना है, जो दिखता है वही लिखता है, मतलब कि डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन एज शोन इन फिगर। थोड़े राइटिंग बड़े कर लेंगे तो आपको दिखे, एज शोन इन फिगर। बच्चों क्या दिख रहा है आपको, जरा देखिए, हमारे पास चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 अप टू Qn विथ देयर पोजिशन वेक्टर्स R1 R2 अप टू Rn, है ना बच्चों। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हियर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड 8P ड्यू टू ऑल चार्जेस। बच्चों सारे चार्जेस की वजह से हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, तो क्या होगा E1 वेक्टर। चलो इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन पता होना चाहिए हमें बेटा, क्या था देखो, ये इक्वेशन थे F/Q और दूसरा क्या था E=KQ/R²R। मतलब कि बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो पॉइंट P के पास हमें क्या रखना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज। तो इक्वेशन लिखा जाएगा इस तरह से, F·Q₀ KQ₁। अब Q₁ से P का डिस्टेंस क्या है, R₁P, तो यहाँ पे होगा R₁P का स्क्वायर और R₁P कैप। ओके अब उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q₂ लिखेंगे, वो क्या होगा E₂ F/Q₀। बच्चों ये इक्वेशन बनेगा KQ₂ R₂P स्क्वायर और R₂P कैप। ओके सोचो अब हमें nth चार्ज के लिए फील्ड लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Qn, Qn पार्टिकल के लिए हमें फील्ड क्या मिलेगा, En मिलेगा। क्या मिलेगा, En। तो En क्या होगा बच्चों, तो En होगा हमारा F/Q₀। ओके फोर्स किसके बीच में लगेगा, फोर्स लगेगा Q₀ और Qn के बीच में, है ना। यहाँ पे बनेगा KQn RNP स्क्वायर RNP कैप। तो बच्चों इस तरह से हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो भी हमारे पास इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल है उसका हमने फाइंड कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके नाउ टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन लॉ, E1 E2 अप टू En होगा। ओके चलो E1 की वैल्यू हम रखेंगे, क्या होगा KQ1 R₁P स्क्वायर R₁P कैप, KQ2 R₂P स्क्वायर R₂P कैप। ओके और En की वैल्यू क्या होगी, होगी RQn अरे KQn RNP स्क्वायर RNP कैप। इज इट क्लियर टू यू बच्चों। चलिए अब हम इसमें से जो कॉमन निकलने वाला है उसको कॉमन निकाल लेंगे, या तो हम इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले हम K को निकाल देंगे बाहर, ओके आउटसाइड समेशन, ये समेशन की साइन यूज़ करते हैं क्योंकि सिमिलर टर्म्स का एडिशन हो रहा है। ओके इनसाइड में देखो कौन सी वैल्यू वेरी हो रही है, Q1, तो Q1 के बाद लिखा जाएगा QI, नीचे R₁P स्क्वायर R₂P स्क्वायर RNP स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा RIP का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे R₁P कैप R₂P कैप अप टू RNP स्क्वायर NP कैप, तो RIP का कैप। बच्चों हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया है,
जो 1, 2, up to n वैल्यू है उसको हमने i ले लिया है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे i=1 to n तक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ n चार्जेस। बच्चों जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन होता है, एक से ज़्यादा चार्जेस गिवन होता है, किसी एक पॉइंट के पास हमें फील्ड फाइंड करना होता है, तब हम इस टाइप का थियोरी यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या करना होता है, हमें सुपर पोजिशन लॉ यानी एडिशन करना होता है। तो प्लीज़ नोट डाउन, ओके बच्चों, अब हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम। सपोज पहले हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। एज वी आर नोइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर रेडियली आउटवर्ड, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बहुत ही सिंपल है ड्रॉ करना, कभी कभी ये वन मार्क्स में आता है। उसी तरह बच्चों सपोज हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है रेडियली इनवर्स होता है। ओके है ना, बहुत इजी, तो आप लर्न कर सकते हो। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे फील्ड में क्या होता है कि पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस निकलेगी और नेगेटिव में एंटर होगी। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों अगर आपको पूछा है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव प्लेट, मतलब कि एक प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, सिमिलर वे बच्चों कुछ करना नहीं है। पॉजिटिव में से तो फील्ड लाइंस क्या आ जाती है, आउटसाइड जाएगी। यहाँ पे हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। अगर बच्चों एग्ज़ाम में आता है कि भाई ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर द नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो क्या करोगे, तो नेगेटिव के लिए हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इनसाइड जाएगी, तो हम यहाँ पे इनसाइड फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ओके बच्चों आगे बात करते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है कि वहाँ पे दो प्लेट होती है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी होती है नेगेटिव। ओके, एक प्लेट होती है पॉजिटिव और दूसरी प्लेट होती है नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये हो गई नेगेटिव प्लेट। हमें इनसाइड कैपेसिटर फील्ड फाइंड करना है, तो ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, तो हमें पता है कि पॉजिटिव में से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और नेगेटिव में क्या होता है, फील्ड लाइंस एंटर होती हैं। तो इजी वे से हम ये फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया फील्ड लाइंस के बारे में। बच्चों एक बात और नोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दो टाइप का होता है, एक तो होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल में होती है, ये बच्चों खास याद रखना। ओके, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल में होती है और इक्विडिस्टेंस होती है, यानी ये जो फील्ड लाइंस है उन दोनों इंडिविजुअल कोई भी दो फील्ड लाइन के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, प्लस से, कहाँ जाएगी, माइनस में। दूसरी एक चीज़ बताएंगे आपको कि कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उसके नियर बाय रीजन के अंदर फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाती है। देखो ये पॉइंट चार्ज था तो उसके आसपास के रीजन में आप कोई भी रीजन ले लो तो फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड सेम रहता नहीं है, यानी जिस रीजन में फील्ड लाइंस क्लोज है, ओके, वहाँ पे क्या होगा, फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस रीजन में फील्ड लाइंस एक दूसरे से डिस्टेंस पे है
कंपेरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस पे है वहाँ पे क्या होगा, वीक फील्ड रहेगा। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्राइंग करने के लिए बच्चों ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी नोट कर दिया जाए। ओके बच्चों, बच्चों अब हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, तो मेरे साथ नोट करिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की डायपोल ले ली, बराबर। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स निकल के मिल रहे हैं, ज़रा देखो आप। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू, पॉजिटिव चार्ज, एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इन नेगेटिव चार्ज, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देखिए आप, यहाँ से प्लस में से निकला और माइनस में एंटर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट है इट्स नॉट मेकिंग क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, मतलब कि प्लस में से निकलना, माइनस में जाना और फिर से माइनस में निकल के प्लस में जाना, ऐसा होता नहीं है। नो, दे आर नॉट मेकिंग क्लोज लूप। एंड द थर्ड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों सपोज मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है वो टेंजेंट क्या बताएगा, टेंजेंट मुझे, ये जो टेंजेंट है वो मुझे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ओके, सो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स ऑन फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्थ पॉइंट क्या होता है बच्चों, दैट फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, फील्ड लाइन्स नेवर, वाई फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। बच्चों सपोज यहाँ पे दो फील्ड लाइन्स क्रॉस हो चुकी है, इंटरसेक्ट हो चुकी है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन। ओके, अगर फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट दोनों लाइन पे है। ओके, तो मैं दोनों लाइन का फील्ड ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों लाइन को टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, सिंस आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट, आई कैन गेट टू फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से दैट नो फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके बच्चों, तो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है कि फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज रीज़न में आप ये लिख सकते हो कि अगर दो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन मिलेगा और इस कॉमन पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दो टेंजेंट हमें दो फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करते हो और ये पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, एंड द फिफ्थ पॉइंट हमारे पास खास इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है दैट इन द चार्ज फ्री रीजियन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यू, आर टेकन एज कंटिन्यू कर्व। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को हम जब चार्ज फ्री रीजन में ड्रॉ करते हैं तो कंटिन्यू कर्व होता है, यानी उसका एंड होता नहीं है। बट प्रैक्टिस के अंदर हम क्या करते हैं, इन जनरल हम स्मॉल पोर्शन ऑफ फील्ड ही ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों ये हो गए हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइटिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हमने इस डायग्राम से ड्रॉ किया है, डिराइव किया है, सेकंड और थर्ड भी डिराइव किया है। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स इनटू नेगेटिव चार्ज। सेकंड,
दे आर नॉट मेकिंग क्लोज लूप, दे आर, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, दे आर नॉट मेकिंग क्लोज लूप। क्यों क्लोज लूप नहीं निकलती हैं, क्योंकि वो प्लस से निकलती है और माइनस में तो एंड होती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या होगा, टेंजेंट वाला पॉइंट है। देखो थर्ड पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, दे आर नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट्स और क्रॉस ईच अदर। वाई, रीज़न आप लिख सकते हो कि इफ़ दे आर इंटरसेक्ट वी कैन गेट कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट एट विच वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट विच गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एट वन पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। एंड द फिफ्थ, इन चार्ज फ्री रीजियन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यू कर्व। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बच्चों हम आज जो स्टडी किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको लिख के लर्न करिए।